हाय, मैं हूं संजीव कुमार और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने कि सैंपलिंग थ्योरम फॉर लो पास सिग्नल क्या होता है। इसे समझने के पहले हम देखते हैं कि कंटीन्यूअस सिग्नल क्या होता है और डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है। नेचुरली जो सिग्नल मिलता है वो कंटीन्यूअस सिग्नल होता है। जैसे कि अगर हम वॉइस सिग्नल के बारे में बात करें तो वॉइस सिग्नल को अगर हम डिफाइन करें कि उसके एम्पलीट्यूड को या उसका प्लॉटिंग करें, एक्स एक्सिस पर टाइम ले, वाई एक्सिस पर अगर एम्पलीट्यूड ले, तो हर एक इंस्टेंट पर, हर एक टाइम पर हम इसके एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। इसी अगर वॉइस सिग्नल को अगर हम डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें और उसे हम चाहें कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे स्टोर करके फिर जब रिकवर करना चाहें, तो ये जो डिस्क्रीट सैम्पलिंग कर रहे हैं तो इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा जिससे हम इसे अगर रिकवर करना चाहें और इस ओरिजिनल सिग्नल को पाना चाहें, तो हमें बिना डिस्टॉर्टेड, बिना किसी डिस्टॉर्शन का इस ओरिजिनल को हम इस ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर सके, ये हमें क्या बताता है, सैंपलिंग थ्योरम बताता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए। अगर हम कहें कि किसी सिग्नल को हम लोग एनालिसिस किस डोमेन में करते हैं तो हम किसी सिग्नल को, अगर वॉइस सिग्नल के बारे में बात करें तो वॉइस सिग्नल में या तो हम उसे टाइम डोमेन में एनालिसिस कर सकते हैं या फिर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी टाइम डोमेन के सिग्नल को, तो आइदर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे या फूरियर सीरीज का यूज करेंगे। अगर ये टाइम डोमेन में अगर सिग्नल ये चीज एक्स टी डिफाइंड है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में वेरी कर रहा है, तो अगर इसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिग्नल इस तरह का आएगा, एक्स ओमेगा, और यहां पे क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये हमें क्या बताता है कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आता है इस सिग्नल पर। अगर वॉइस सिग्नल की बात करें कि किसी वॉइस सिग्नल में कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मौजूद है और उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का क्या स्ट्रेंथ है, तो वो हमें क्या बताता है, ये बताता है इस सिग्नल का मैक्सिमम अगर फ्रीक्वेंसी का बात करें, अगर वो एफ एच है तो ये कितना हो जाएगा, एफ माइनस एच एफ एच। ये क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन XT है, ठीक है। अब इसका हम सैंपल कर रहे हैं, तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिएगा, वो क्या होगा कि द सैंपलिंग थ्योरम स्टेट्स दैट ए बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी, जिस सिग्नल के बारे में डील कर रहे हैं वो सिग्नल कैसा है, उसका एनर्जी क्या है, फाइनाइट है, और उसका फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट भी बैंड लिमिटेड है, मतलब कि एफ एच से ज्यादा नहीं है। तो सैंपलिंग थ्योरम स्टेट्स दैट ए बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी विच हैज नो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट हायर देन एफ एच हर्ज मे बी रिकवर्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स सैंपल्स इफ द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन दैट सिग्नल। मतलब कि इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट एफ एच है, इसका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ एच क्या होगा, मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ट्वाइस एफ एच के बराबर होगा। मतलब अगर हम कहें कि इस सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट अगर 200 हर्ज अगर अवेलेबल है, तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 × 200 हर्ज, मतलब कि 4000 हर्ज से अगर ज्यादा अगर इसका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो डिस्क्रीट या सैंपल सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल को हम लोग आसानी से रिकवर कर सकेंगे। यही हमारा सैंपलिंग थ्योरम फॉर लो पास सिग्नल होता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या कि सैंपलिंग थ्योरम का प्रूफ क्या होता है, कैसे ये जो रिलेशन आया है मैथमेटिकल रिलेशन fs इज ग्रेटर देन ट्वाइस fh, इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। थैंक्स।